वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च्ड एनवाई बे की स्ट्रोक क्रीम के ऊपर एक रिव्यू। सो उसके प्राइस, पैकेजिंग, स्वाचेस सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं अदर सोशल साइट पे भी हूँ, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी देयर, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, प्लीज चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एनवाई बे जस्ट लॉन्च देयर स्ट्रोक क्रीम रेंज, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत दिनों से इसके लिए वेट कर रही थी कि वो अपना कोई इल्यूमिनेटर प्रोडक्ट और ऐसे कुछ स्ट्रोक क्रीम वगैरह लॉन्च करे। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ये एक व्हाइट प्लास्टिक ट्यूब में है। सो यहाँ पे आपको एनवाई बे की जो ब्रांड नेम है वो मिल जाती है, और यहाँ पे आपको शेड नेम मिल जाती है, और इस साइड पे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, डेट वगैरह और प्राइस सब कुछ इधर मेंशन किया हुआ है। इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा हैंडी है, इजी टू कैरी है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, एंड बहुत ही क्यूट है। आपको 12 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी एक्जैक्टली प्राइस है 249 रुपीज, और मुझे 174 में ये मिला है। आप इसे पर्पल से परचेज कर सकते हो। सो ये क्लेम करता है कि ये इजीली ब्लेंडेबल है, बहुत ज्यादा शाइन देती है, लाइट वेट है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है, और पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। ये आपको 3 शेड में मिल जाएगी, एक गोल्डन है, एक पिंक है, और मैंने ये शेड चूज किया है। इसकी शेड नेम है रोज डायमंड, जो कि एक रोज गोल्ड काइंड ऑफ शेड है। जो रोज गोल्ड शेड होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल स्किन टोन को सूट करती है, तो इसीलिए मैंने ये चूज किया है। सो पहले एक स्वॉच दे देते हैं। कितना ज्यादा शाइन प्रोवाइड कर रहा है ये स्ट्रोक क्रीम। आज मैंने कोई एक्स्ट्रा हाइलाइटर यूज नहीं किया है मेरे फेस पे, सिर्फ मैंने ये स्ट्रोक क्रीम अप्लाई किया है। यू कैन सी कि कितना ज्यादा शाइन दे रहा है ये। ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, सो यू डोंट नीड बहुत ज्यादा, यू जस्ट नीड लिटिल अमाउंट ऑफ इट एंड योर फेस विल ग्लो। सो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया है और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया है अपने फेस पे। बेसिकली जो इल्यूमिनेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्ट्रोक क्रीम्स, प्राइमर्स, वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं आपके फेस पे और एक चिपचिपा हो जाता है आपके फेस पूरा, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है। ये आपके फेस पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाती है, इजिली ब्लेंड आउट हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। ये बहुत ज्यादा हाई शाइन प्रोवाइड करता है, तो आपको इसको 2 टाइम्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप इसको फाउंडेशन से पहले अप्लाई कर रहे हो तो फाउंडेशन पे मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप फाउंडेशन पे इसको मिक्स कर रहे हो तो पहले अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ डेमो देने के लिए कि कैसे कैसे इसको यूज करते हैं इसीलिए मैंने दिखाया है। आपको 2 टाइम्स इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वरना आप
डिस्को बॉल भी लग सकते हो, इतना ज्यादा ये हाई शाइन प्रोवाइड करता है। ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है, तो आपको बहुत फास्टली इसको ब्लेंड कर लेना होगा। इसको अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर के बाद एक प्राइमर यूज करके फिर इसको अप्लाई करें, तभी आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट मिलेगी। आप इसको लिक्विड हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हो। मैंने अपने यूजुअल पॉइंट्स पे आज इसको अप्लाई किया है, बहुत अच्छा एक हाइलाइटिंग इफेक्ट भी देता है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए, सो मेरी तरफ से बहुत बड़ी एक यस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, इजी टू कैरी है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, और ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, बहुत अच्छा एक शाइन प्रोवाइड करता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है ये। सो मेरी तरफ से बहुत बड़ी एक यस है, यू कैन गो फॉर इट। सो ये रही मेरी रिव्यू एनवाई बे की स्ट्रोक क्रीम के ऊपर। और वीडियो आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टाटा, और मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।